कहती हैं कि मेरी फैमिली डॉक्टर जो मिस्र से हैं और ईसाई हैं उनसे अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप विटामिन डी लेती हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं लेती हूँ। उन्होंने कहा लेकिन आपको आम लोगों से ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि आप हिजाब पहनती हैं और इसकी वजह से सूरज की शुआएँ आपकी दिल तक नहीं पहुँच सकती। तो कहती हैं कि मैं सवाल ये है कि क्या खुदा तआला कोई ऐसा हुक्म दे सकता है कि जिसमें हमारी सेहत के जो हमारी सेहत के उसूल के खिलाफ। बात यह है कि सर्दियों में तो जब विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो जाती है, अमूमन दिन भी वहाँ छोटे होते हैं यूरोप वगैरह मगरबी ममालिक में, उस वक्त तो इन लोगों ने भी अपने जिस्म को ढांका होता है और सूरज निकलता भी नहीं इतना ज़्यादा, उस वक्त तो ये लोग भी विटामिन डी ले रहे होते हैं। बाकी रहेगी गर्मियों की बातें, उसमें हमारे जो चेहरा है आपका अमूमन काफ़ी हद तक नंगा होता है और सूरज की शुआएँ सिर्फ ऐसी तो नहीं है कि जो डायरेक्ट जेल्स पे पड़े हैं तो फिर ही है। अब ये लोग विटामिन डी लेने के नाम पे और सन बाथ के नाम पे बीचेस पे जाके समुद्रों के किनारे गर्मियों में जाके नंगे होके लेट जाते हैं कि हम विटामिन डी ले रहे हैं और सूरज की शुआएँ ले रहे हैं, तो ये तो बेहयाई फैलने वाली और फैलाने वाली बातें हैं, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। सूरज की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सूरज में कपड़ों समेत बैठने से भी पूरी हो जाती है। आपका चेहरा तो नंगा होता है, आपके हाथ बाजू नंगे होते हैं, पाँव आप नंगे रखते हैं और उसी में विटामिन डी की जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम ऐसा रखा हुआ है। ये सिर्फ दुनियादारी वाली और दजाली चाल है कि जी तुम अगर ये इस तरह करोगी तो फिर तुम्हारे अंदर विटामिन डी नहीं आएगी। वही शैतान के अभी जिक्र हुआ रहा था ना, शैतान के वसवसे डालने वाली बात, तो ये शैतानी वसवसे हैं जो पढ़े लिखे लोग भी डालते हैं, तो ये बाहर के शैतान हैं। ठीक है, इसलिए जो इतनी रिक्वायरमेंट आपकी है वो पूरी होती है। बाकी सारा दिन आप घर में तो हिजाब पहन के नहीं बैठी होती, घर में आपके कमरा है उसके उस खिड़कियों से शीशों से धूप आ रही होती है, जब धूप आ रही है वहाँ आप बैठ के धूप ले सकती हैं, कपड़े लाइट कपड़े पहने होते हैं उसमें आप बैठी होती हैं। जब बाहर जाना है हिजाब लेने का या कोट पहनने का या पर्दा करने का हुक्म तो बाहर के लिए है, घर में अगर कोई नामहरम है तो और बात है, अदरवाइज़ तो यही है कि हम रिलैक्स कपड़ों में फिर सकती हैं और बेशक अपने सरों से जो ओढ़नियाँ भी उतारी होती हैं कोई ऐसी बात नहीं है, तो ढीले लिबास भी होते हैं घरों में और वो जो लिबास एक आधी कमीज़ पहनी होती है वो काफ़ी होती है सूरज की शुआओं को लेने के लिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये कह दिया कि जी सूरज की शुआएँ नहीं जाती, विटामिन डी लें। इन लोगों में विटामिन डी की ज़्यादा कमी होती है, बल्कि ये भी लेते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो गर्म ममालिक हैं वहाँ वैसे ही मिलती रहती है, वहाँ कोई ऐसा मसला ही कोई नहीं है। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह अहसन।